ये हैं 250 रुपए के 6, और ये जो है ये 300 के 6 हैं, और ये वाले 350 रुपए के 6 हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब वाले, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, बाद होंगे। अभी हम जा रहे हैं मंगल बाजार। मंगल बाजार से कुछ चीज़ें लेनी है, एक दो पर्दे लेने हैं, कुछ और हैं एक दो चीज़ें, अदरक लहसुन भी ख़त्म हो गया, वो भी लेने के लिए जाना है, और उसके बाद ऑन जो है ना वो हमने लेना है। तो अभी अवैध साहब और मैं दोनों जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर दें और छोटे दरवाजे से निकल आएँ, आ जाएँ जल्दी। तो देखते हैं वहाँ ऑन वगैरह जो है ना वो अभी पता नहीं है। बाकी पर्दे एक बंदे ने कहा कि पर्दे आए हुए हैं अच्छे वाले, तो वो ले जाएं। और ओवन का जो है ना वो अभी पता करना है, कोई सही तरह से मिल गया ना यहाँ से तो ठीक है, वरना फिर अभी टोकर पर जाना पड़ेगा। तो अभी अवैध साहब और मैं दोनों ही जा रहे हैं। दोनों ने क्या लगा दिया? ठीक है, वो ठक 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 खड़खड़ 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 करता है। हाँ जी, नवे मोड पवा लाँगे जो टाइम होया। अरे रास्ते में पेट्रोल जो है ना खत्म हो चुका है, चल अगले आओ फिर मिल जाते अगले। हमारा साथ जनाब बहुत गलत हुआ है। तेल डलवाने के बाद सीधा हम मंगल बाजार जनाब पहुंच गए थे। यहाँ से हमने जुराबें मनाहल के लेनी थी, लेकिन यकीन मानो बहुत महंगी थी, पिछले साल की नस्बत पूरे 50 रुपए महंगी थी। पिछले साल जो था ना 50 का जोड़ा दे रहे थे, इस साल जो है ना वो जनाब 100 वाला जोड़ा दे रहे थे, लेकिन मजबूरी थी लेनी तो थी। फिर हमने जनाब 3 जोड़े जो है ना वो हमने मनाहल के लिए लिए थे। मैंने कहा सर्दी आ रही है, सर्दी में लाजमन चाहिए। 70 रुपये। ये हैं पर्दे, एक ये कलर है और एक ये कलर है। हम सोच रहे हैं कि इनमें से या इनमें से जो है ना वो एक ले ले। नहीं यार प्लेन है, जगह से एड्रेस बनेगा। वैसे साहब इंजे तो इंजे चीजा कर कड़ा थे रहेगा, मैंने कोई नहीं तो कोई सा लेना था आई थोड़ी सोणिया नवे वाली गल तो नहीं लेना आई थोड़ी तो पसंद कर जाना का थोड़ी राय तेरी ने हो जाएगी तो बेहतर है, तो लेया तो इथे जाना है ना ले तू ना ले नहीं लेना तो तू पर्दे ना खेलना कुछ ऐ लगे हुए नहीं है कलर चक्कर दो दो पीस ने पर्दे हमें पसंद नहीं आए ना वैस को आया कुछ पसंद और ना मुझे आया। फिर हमने सोचा कि न्यू ही लेंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए पर्दे हमने कैंसिल कर दिए। फिर हमें चाहिए थे कप, कप नहीं थे घर में, तो कप लेने के लिए आए तो इनका रेट देख कर तो मैं हैरान हो गया। ये जनाब 350 रुपये 6 कप, ये 300 रुपये के थे 6 कप, और ये वाले जो थे ना ये 310 रुपये थे 6 कप, और फिर हमें तो ज़रूरत थी हमें लेकर जाने थे। फिर ये वाले जो थे ना ये हमने 6 कप करा लिए थे, ये 250 रुपये के हिसाब से थे, और हमने पैक करवाया माशाल्लाह शॉपर में। और तरह आई थी उनको पसंद नहीं आए, फिर हमने कहा चलो हम ही ले जाते हैं, उनको पसंद आए या ना आए लेकिन लेने तो थे। वापस आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जो चीज़ें लेनी थी ले गए। कुछ ये सब्ज़ी वगैरह हैं, ये कुछ कपड़े वगैरह हैं, और पीछे हमने साग लेकर आए स्पेशल, जो वैसा बैठे हुए थे उनका जो है ना सूट बूट भी थोड़ा सा बहुत खराब हो गया, कोई नहीं लगा करम कर इधर वे बहुत है। तारा बरकत आ चुकी है और साग गया किंग अभी पकड़ी किंग लेकर पकड़ी आई फाड़ ला ताज ताज पहन कर तारा बरकत आपके सामने चल चौके नो फाड़। A few minutes later. अभी मैं जा रहा हूँ जनाब बाजार बर्गर लेने के लिए। आज वैसा साहब 2-3 दिन से कह रहे थे कि बर्गर वापस खिला दे, बर्गर खिला दे, बर्गर खिला दे। मैंने कहा चल ठीक है आज खिला ही देते हैं। तो तेरा बर्गर ने भी आजकल डाइटिंग की हुई है, उसने कहा चलो आज आखिरी बार से ही चलो बर्गर खिला दे, इसके बाद नहीं खाते। मैंने कहा चलो ठीक है अभी चलते हैं सीधा शॉप पर और बर्गर जो है ना वो आज स्पेशल से बनाकर लाते हैं। लेकिन भाई साहब जो है ना वो पता नहीं वाशरूम गए हुए हैं कि पता नहीं घर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है अभी उनका कर रहे हैं। यहाँ पर हम जनाब कब तक आता है और फिर उससे बर्गर बनाए, और आज हम आपको दिखाएंगे कि बर्गर कैसे बनता है।
लो सर बर्गर और बोतल वगैरह हमारे होगी, अंडे और चाय हमने पहले ले लिए, अभी चलते हैं घर, गिर ना जाए यहाँ से। घर हम पहुंच चुके हैं, ले आ प्लेटे वगैरह सोने, किधर किधर जाऊं वॉशरूम की करना जल्दी प्लेटा ले आ रहा है, क्यों रहा वॉशरूम जामी हाँ जी पोल्टी का मान करे दिया ओ आंदी ओ गल ओ शिकार टाइम आया ते ओ वाली गल बन गई आ रख तू तेरे ब्रेड वगैरह नहीं मिले ले आ जल्दी कर इतने ले आना इत इस जगह ते टेबल लगे कर और प्लेटन की करना ही एक प्लेट लिया बस चलो जी खाओ 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 घंटा हो गया हूँ जिस टाइम आना सी है थोड़े साड़ गए पता नहीं की कहता ना बाकी कोई मज़ेदार होंगे शुरू करते बरगद सुर्खी आ रही है बरगद सामने खा लिया वैसा अभी दस ही जा रहे हैं दस ही जा रहे हैं देख इस बूथा देख देख कैसे खा रहे हमने माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया मिर्चें थोड़ी थी मिर्चें अलग ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी था बरगद कैसा लगा ठीक रहा मज़ा आया चलो हूँ दो महीने नेड़े ना जाया किसी चीज़ बोतल ही पिला दे खा लिए बड़े जबरदस्त और टेस्टी बने हुए थे बर्गर यहाँ से मतलब अच्छे मिल जाते हैं पहले बाजार से कभी एक बार खाते थे ना लेकिन उसकी नस्बत यहाँ अच्छे बनते हैं लेकिन जो बोतल स्प्राइट लेकर आए थे ना वो बिल्कुल बकवास जिसको बोलते ना वो थी वैसे खाने पीने वाली चीज को बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो थी बिल्कुल वो सिर्फ मीठी थी उसमें कोई वो गैस वाली बात नहीं थी कोई ऐसा होता ना क्योंकि स्प्राइट हम शौक से पीते हैं हमें पता है वो क्या चीज होती लेकिन वो शायद एक्सपायर थी अगर एक्सपायर नहीं थी तो वो फिर दो नंबर बनी हुई थी तो फिलहाल बात करने का मकसद यही है स्प्राइट वालों को चाहिए कि वो आप इस चीज पर ध्यान दें अगर एक्सपायर कोई चीज कहीं पर माल होता है तो वो भी तवज्जो दिया करें और अगर कोई डुप्लीकेट उसकी कॉपी बनाकर सेल कर रहा है ना उसके ऊपर भी उनको तवज्जो देनी चाहिए अब उनका नाम खराब हो रहा है हम तो यही कहेंगे ना स्प्राइट अब दो नंबर आ रही है ये वो अब स्प्राइट को छोड़े कोई और पीते हैं बाकी पीनी तो कोई भी बोतल नहीं चाहिए ये तो कई बार डॉक्टर भी मना करते हैं लेकिन क्या करें फिर कभी कभार हो जाता है तो लेकिन बात करने का मकसद सर यही था कि भाई बर्गर ने मजा दिया है लेकिन बोतल ने बिल्कुल मजा नहीं दिया वो हमने एक एक घूंट पिया है तो हमें महसूस हुआ हमने उसी तरह फेंक दिए ऐसे समझो कि फेंक दिए पड़ी हुई है वैसे उधर किचन में लेकिन वो डोल देंगे क्योंकि सही नहीं है वो फिर बात बंदा क्या करे तारा बरगद कह रही थी कि आप जाएं उनको वापस करें और उनको कहें कि ये आप चेंज कर दें ये ऐसी ये मतलब ठीक नहीं है लेकिन मैंने कहा उन्होंने भी यही कहना है कि हमने कौन सा इसके अंदर बढ़ के देखा है कि ये किस तरह की है कैसी नहीं है मैंने कहा पी जाए जैसे भी है तो फिलहाल कोई बात नहीं अल्लाह ताला करम करेगा मच्छर बहुत ज्यादा हो गया तो इसी के साथ आप सबसे चाहते हैं इजाजत इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक अल्लाह नहीं के बन अपना ख्याल रखें अपने दोस्तों का ख्याल रखें और हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए और अच्छे और लेटेस्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।